दोस्तों, अगर आपको भी सीआरडी शो देखना पसंद है और आप सीआरडी के इंस्पेक्टर दया को देखना पसंद करते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एपीएम पिक्सेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ में जो बेल आइकन यानी कि जो घंटी का बटन है उसको भी दबा लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको सीआरडी से रिलेटेड सारी जानकारियाँ सबसे पहले देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इंस्पेक्टर दया पर हुआ है जानलेवा हमला। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, मैं भी ये न्यूज़ सुनकर दोस्तों पूरी तरह से शॉक हो गया कि इंस्पेक्टर दया पर कोई जानलेवा हमला कैसे कर सकता है। लेकिन दोस्तों, ये जो न्यूज़ है ये सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और यूट्यूब पर ही आपको दोस्तों काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो सीआरडी का इंस्पेक्टर दया यानी कि दयानंद शेट्टी है, उन पर जानलेवा हमला हुआ है और उनकी हालत जो है वो काफ़ी गंभीर है। दोस्तों, ये न्यूज़ सुनने के बाद मैं भी काफ़ी शौक हो गया था और मैंने अपने तरीके से पता किया कि ये न्यूज़ में सच्चाई जो है वो कितनी है। तो दोस्तों, मुझे जो सच्चाई पता चला वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो दोस्तों, इंस्पेक्टर दया जो है वो अभी फ़िलहाल सीआरडी 2 का शूटिंग कर रहे हैं मुंबई के गोरेगांव में फिल्म सिटी में, और उनका जो एपिसोड है वो बहुत ही जल्द आने वाला है अक्टूबर 15 की तरफ। तो दोस्तों, ये जो न्यूज़ है इंस्पेक्टर दया पे हमले का, ये पूरी तरह से फेक है। इंस्पेक्टर दया जो है वो पूरी तरह से सही सलामत है, उन पर कोई हमला जो है वो नहीं हुआ है। आप ऐसी झूठी वीडियोस पर बिल्कुल भी भरोसा मत करिएगा। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ ये जो वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।